अली के लिए गर्दनें भी कटवा दो तो हक अदा नहीं होता। हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन समझे मैं तेज थी मेरा जान। हुस्न यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। हाय 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 हाय, माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। हुस्ने हैदर की तरह से शबे हिजरत मोशन, मजा तो तब है कि सोते में खरीदार मिले। काफरों का हंगामी इजलास हुआ, शिकस्त की वजूहात क्या है? मुत्तफिक का नतीजा निकला अली। हर दौर के हर हरामी की इकलौती परेशानी का नाम अली। कई हरामजादे कमर बांध के फिर रहे अली के फदाइल के खिलाफ। ये अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, मौला अली से नहीं मांगनी चाहिए। मौला अली को तो खुद जरबत लग गई थी। एक गाल दस है सही है, गवान के पीछे मैं आवा या ना आवा। मौला अली को तो खुद जरबत लग गई थी। जो अपने आप को अपने मुलजिम की जरबत से नहीं बचा सका, तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मैं पूछा फिर किससे मदद मांगे? अल्लाह सही को मदद मंगो अल्लाह को। मैं के बेगैरत मुल्ला जेड़ा अल्लाह अली को बचावन नहीं आया हो, तेरी मदद करण की दुआ। उसका पर तोड़ दिया, पर तोड़ के मेज से तरफ। अली से कहा अगर मदद करता तो मक्खी का पर जोड़ के दिखाए। मौली साहब चुप, ठीक है ते टप टप किया के मक्खी का पर तो अली से जुड़ता नहीं, शियों की मदद कैसे करेंगे? मजमे में एक मलंग खड़ा था, उसके पास था मूसा का आशा, और रंग बिरंगा मुतार मलंग में बिचो निकता तो सके यो अली मलंग। मालवी का बाजू तोड़ के मलंग कहते तू अल्लाह सही से हाथ जुड़वा के दिखा, मैं अली से मक्खी का पर जुड़वा। दुश्मन दे सिंह नहीं होंदे, वो आदता तो मालूम थी ना। क्या कह रहे हो बच्चे जियो में बढ़िया आती है। मुत्तफिक का नतीजा निकला अली। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा कोई पहलवान बुला जो अली से लड़े। हमारा काम नहीं अली से लड़ना, और किराए पे पहलवान ले आए अमर अपने अब्द बात। बड़ा नफीस आदमी, दो ऊंटों से नाश्ता करता था। ऊ इलाके चाहिए बंदा नफीस होंगे। नाश्ते में तो ऊंट खाता था। वो अली से लड़ने आया कि हमें वोट मिले हैं 17 कबीलों के अली से लड़ने के लिए। हिजब एक लश्कर, एहजाब लश्कर ढेर, उन सारों ने चुना था तू लड़ अली नाल। मार के फुंडा दिता, फिट हो गया, मैं लड़ूंगा अली से, मुझे वोट पड़े हैं। अकड़ के चलने लगा मैदान खंदक में, मुझे लोगों ने वोट दिए हैं अली के खिलाफ, मैं अली के खिलाफ वोटों से चुना हुआ हूं। सारों ने कहा तू बहादुर है, अली कुछ नहीं,
मुझे वोट मिले हैं, मैं अली से लड़ने आया हूँ। सगे दहन दरीदा की तरह, फीले बद मस्त की तरह, ये बेगैरत छाक डालता हुआ जैसे खंदक के मैदान में आया, मोहम्मद मुस्तफा की नजर पड़ी। हजूर ने फरमाया मन लिहाजल कल्ब, कौन है जिस कुत्ते का मुंह बंद करे। मोहम्मद ने फतवा दे दिया, दुनिया किसी को अली के मुकाबले पर वोटों से भी चुन के आए, वो मोहम्मद की नजर में कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। बस वक्त खत्म। तो बच्चों अब्देबाद के अमर को अल्लाह के अमर ने मार दिया। इससे शाट हो नहीं सकता। अब्देबाद का अमर अल्लाह के अमर के हाथ से मारा गया। अगला फिक्रा कह दो, मेरे हाथ में अब्बास का आलम है। इससे बड़ी कसम हो नहीं सकती। मुसलमानों के मुअर्रखीन ने तस्लीम किया कि पूरी जंग खंदक के पूरे लश्कर इस्लाम में अली के अलावा किसी की तलवार नियाम से बाहर आई ही नहीं। बड़ी मार पड़ी काफिर को, मायूस नहीं हुआ। हुआ ऐलान विलायत अली से, पता चला अली वलीउल्लाह से जो जख्म लगता है वो जुल्फकार से गहरा होता है। हम जदीद मरहबों को मारेंगे अली की विलायत से। अली की विलायत पे कायम रहना, अली की विलायत पे जिंदा रहना। करबला की जंग ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं हुई। अली वलीउल्लाह के लिए जैनब बाजारों में रुल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो जनाब आसिया है। फिरौन को पता चला मुझे रब नहीं मानती, उसने जमीन पे लिटाया, हाथों में मेखें गाड़ दी, ऊपर से पत्थर फेंका, पिस गई जमीन और पत्थर के दरमियान जनाब आसिया। जुर्म था ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो अम्मार यासिर की माँ सुमैया है। बेटा देखता रहा, माँ का बर्चियों से कीमा बन गया। देख मेरी तरफ, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ अली वलीउल्लाह के लिए। एक मिनट मेरा भाई नियाज हुसैन इम्तियाज बैठ, मैं फिक्र कह रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो जनाब आसिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो जनाब सुमैया है। अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई है वो हसन हुसैन की माँ जनाब जहरा है। दरवाजे पे मदीना इकट्ठा हो गया, पीछे खड़ी थी मोहम्मद की इकलौती बेटी। बेगैरत कहते हट जाओ, हमने अली को गिरफ्तार करना है। आवाज आती है कभी नहीं हटूंगी। बेगैरत कहते वरना मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। एक बेगैरत ने आग लगाई, दूसरे ने दरवाजे को धक्का दिया। पीछे खड़ी थी मोहम्मद की बेटी, चलता हुआ दरवाजा जनाब जहरा पे आया। तू शिया है और हाय ना करे, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखे लगी हुई थी जो आग में तप गई। जहरा पे दरवाजा